हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। और आज मैं स्विगी में लॉग इन किया हूँ। फिलहाल कुछ दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि ओला और रैपिडो करूँ, स्पेशली उबेर में, क्योंकि उबेर में 11 रुपया पर डे का कमीशन आया। बट उसके बाद से एक दिन भी काम नहीं कर पाया बारिश की वजह से। फिर मैं सोचा था कि इन ड्राइव में भी काम करूँगा, बट इन ड्राइव में भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा बारिश की वजह से। क्योंकि यार देखो यार, जब बारिश होता है तब बाइक टैक्सी में काम करना पॉसिबल नहीं होता है। कस्टमर वैसे भी भीग भीग के जाने वाला है नहीं, और बाइक में बारिश में बाइक चलाना वो भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट स्विगी में क्या है कि आप अपने लोकल एरिया में रहते हो तो चलो ठीक रहता है, बारिश का टाइम में स्विगी में एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, और खुद ही एक रेनकोट पहन के आराम से जाके डिलीवर करो, कोई टेंशन नहीं रहता। तो इसलिए मैंने स्विगी आज लॉग इन किया हूँ। और आज सुबह से एक्चुअली बारिश हो रहा था, अभी थोड़ा सा बारिश रुका है, और मैं शाम के 4 बजे से लॉग इन किया हूँ। और जैसे लॉग इन किया हूँ तो एक राइड ऑर्डर मुझे मिल गया, राइड बोल रहा हूँ मैं, तो एक ऑर्डर मुझे मिल गया स्विगी से ही। बट ये स्विगी का जीनी ऑर्डर है बेसिकली। अब जीनी ऑर्डर में क्या होता है कि आपको कस्टमर टू कस्टमर पे जाना है, मतलब कस्टमर से कोई एक पार्सल लेना है, उस पार्सल को किसी दूसरे कस्टमर के पास जाके देना रहता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैंने जीनी का वीडियो एक बार भी शायद डाला हूँ, बहुत टाइम हो गया, शायद साल भर पहले डाला था। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता भी दूंगा कि जीनी का ऑर्डर को कैसे पिक करते हैं और कैसे डिलीवर करते हैं, ठीक है। पहले इसको ओवरटेक करने दो। हाँ अब ठीक है, आई थिंक नहीं, राइट साइड में दिखा रहा, शायद ये घर होगा मे भी। तो सबसे पहले आपको रीच पिकअप लोकेशन करना है, जो एज यूजली फूड का ऑर्डर के टाइम में आप लोग करते हैं रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद। यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, कस्टमर लोकेशन पर आ चुका हूँ। अरे यार ये सेल्फी मांग रहा है, बताओ लॉग इन करते टाइम भी सेल्फी दिया, फिर से सेल्फी देना होगा क्या? ये अपडेट ना बहुत ही बेकार अपडेट है। क्या सामान है? अच्छा ठीक है, पैकेट थोड़ा निकालिए, फोटो लेना पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, इमेज अपलोड हो गया, कंफर्म पिकअप कंप्लीट, ओके थैंक यू। तो देख लिया दोस्तों कैसे पिक करना रहता है ऑर्डर को। अब चलो जाके कस्टमर के लोकेशन में चलते हैं और जाके दिखाते हैं कि कैसे इसको डिलीवर करना रहता है, ओके। बता कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार किधर जाएगा, कोई ठीक ही नहीं है ना, लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, यार इन लोगों को रोड पे चलने का भी सेंस नहीं है कि कैसे चला जाता है रोड पे। देखता हूँ, लोकेशन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे करना होगा रिच डिलीवरी लोकेशन, ओके। थोड़ा सा पहले हूँ और थोड़ा सा आगे है लोकेशन, शायद उस मोड़ पे। तो रिच डिलीवरी लोकेशन पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, हम लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, कस्टमर को कॉल करना है, ओके। उसके बाद दोस्तों ड्रॉप लोकेशन पहुंचने के बाद आप लोगों से उसी तरह से फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना पड़ता है, जैसे पार्सल को पिक करते टाइम में किया था। उसके बाद फ़ोटो वेरीफाई होने के बाद आप ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है जब से मैं लॉग इन किया हूँ तब से, तो ये अच्छी बात है। चलो यार कम से कम बैक टू बैक मिले तो यार सही रहता है, टाइम बर्बाद नहीं होता है। तो आज का आई थिंक ये 5 नंबर ऑर्डर होगा, मे बी 7363। थैंक यू। चलो यार पिक हो गया, अब देखते हैं ये कहाँ पे है। कमर हट्टी, अरे यार गर्ल्स हॉस्टल बैरकपुर ट्रंक रोड, अरे यार सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज से दारू ऑर्डर किया है, वो भी गर्ल्स हॉस्टल का, लड़की का ऑर्डर है भाई साहब। अरे यार ये लोग मेडिकल कॉलेज वाले लोग यार क्या करते हैं यार, तुम लोग भी अगर दारू पी के
काम करेगा तो कैसे चलेगा। तो आ चुके हैं दोस्तों हम लोग मित्रा कैफ़े के पास, और फर्स्ट मुझे यहाँ से ऑर्डर मिल रहा है जब से ये ओपनिंग हुआ। एक्चुअली मैं काम भी कहाँ किया हूँ, मैं जब से ये ओपन हुआ तब से मैं शायद 3 दिन काम किया हूँ और आज तीसरा दिन है। क्या कर आजकल डेली कर रहा है क्या? चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा है ना? ऑर्डर मिल रहा है ठीक ठाक? कितना शाम से कर रहा है? कितना बजे से? वही 6:45 में ऑन हो रहा है। और ठीक ही है, तो अच्छा ही ऑर्डर हो रहा था फिर। लगभग ऑर्डर आज अच्छा काम है, मतलब बैठने नहीं दे। हाँ वही तो, मैं भी जब से लॉग इन किया हूँ 4 बजे से, मैं किया हूँ 4 बजे से बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है। ऐसे कल परसों तो बहुत रुला रहा था। हाँ वो होता है किसी, आज जैसे बारिश हुआ ना सारा दिन, तो इस वजह से शायद ऑर्डर फ्लो बढ़ गया। हाँ हाँ इसीलिए शायद बोल लो घर पे बना नहीं रहा। रेडी है फिलहाल 8777। ₹610 का COD है। चलो अच्छा, कैश का जरूरत भी था, COD दे रहे हैं तो ठीक ही है। अरे कितना सेल्फी लेगा? अरे बहुत दिन हो गया फिर से सेल्फी यार। अच्छा ये क्या हेलमेट चेंज हो गया ना, पहले हेलमेट अलग था, नया हेलमेट के साथ सेल्फी ना। चलो ठीक है भाई, नया हेलमेट के साथ सेल्फी। हाँ चल ठीक है। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ভিডিও বানাই, কাজও করি, ব্লগিং দুটোই হয় আমার। ডেয়ার টু ড্রিমস, ড্রিমস। হ্যাঁ 610 লাস্টে এস আছে ড্রিমস, হ্যাঁ তখন পেয়ে যাবো। ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ। দোস্ত আমি যা রা থেকে অর্ডার ডেলিভার করতে ইয়াঁ পে কুছ লোক খড়ে হোকে বোল রে ওই প্রসাদি লে যাতে কে লিয়ে। ঠিক আছে লে যেতে মানা নেই করতে, বাদ মে খা লেঙ্গে। অল্প একটু দিয়ে দাও, আমি পরে খাবো, এখন তো খেতে পারবো না। उसके बाद क्या बताऊँ भाई, इतना प्रसाद ही दे दिया था कि वहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट लग गया उसको पूरा कंप्लीट खाने में। तो काफ़ी देर बैठ के वहाँ पे खाया, अच्छे से खाया, पूरा पेट भर गया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से खाने के बाद ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकला। चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ मेरा पैसा बच गया। मैं बाहर खाने वाला था कुछ, बट अभी यहीं पे खा लिया। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जितना खाया ना पेट भर गया, मतलब दे ही जा रहा था, दे ही जा रहा था। भाई साहब, और ये मैं अभी जिधर जा ना, कोंडा माधवपुर है ये, बचपन में पहले इधर आता था साइकिल से। अभी तो आप लोगों को ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा दोस्तों, रात के अंधेरे में देख ही पा रहे हो दोस्तों, कुछ नहीं दिख रहा आगे। देखो यार मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सामने कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। अब यहाँ से किस साइड में जाए यही समझ में नहीं आ रहा। हाँ इधर से ही चलते हैं। तो आज का मेरा आखिरी ऑर्डर मैं जा रहा हूँ डिलीवर करने, और कस्टमर के लोकेशन में आ भी चुका हूँ ऑलमोस्ट। थैंक यू दोस्तों, घर चलते देखते सुबह में इंसेंटिव जुड़ के कितना मुझे मिलता है। तो घर जाके आपको बताता हूँ कि कितना अर्निंग हुआ और कितना किलोमीटर बाइक चला, और 10 ऑर्डर फिलहाल हुआ है, ये मैं अभी आप लोगों को बता ही देता हूँ। ओके स्टार्टिंग में तो मैंने उतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा ऑर्डर मिलेगा आज, वरना आज मैं पूरा दिन काम करता। बट जैसे मैंने लॉग इन किया फिर बैक टू बैक ऑर्डर मिलने लगा, तो मैंने सोचा चलो एटलीस्ट 12 ऑर्डर अगर कंप्लीट हुआ था तो मेरा एक मिनिमम गारंटी होता है, ₹650 मुझे मिल जाएगा। बट मैंने 10 ऑर्डर डिलीवर किया और 10 ऑर्डर कंप्लीट करके मैंने ₹593 अर्निंग कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट ₹600 अर्निंग हो गया था। अब 2 ऑर्डर और भी अगर मैं कंप्लीट करता ना तो ₹650 प्लस अर्निंग हो जाता आराम से, तो फिर वो मिनिमम गारंटी का कोई मतलब नहीं बनता। और रात भी काफी हो गया तो मैंने सोचा
चलो यार रहने दो, आज के लिए इतना काफी है, 10 ऑर्डर मिला इनफ था, बैक टू बैक ऑर्डर मिला शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक काम के, टोटल 7.5 घंटा काम किया, 7.5 घंटा काम करके मैंने अर्निंग किया 593 रुपया, और बाइक जो चला दोस्तों 95 किलोमीटर टोटल बाइक चला, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में जो आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बताया था कि स्विगी जीनी के ऑर्डर को कैसे पिक करके डिलीवर करते हैं, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसे ऑर्डर को पिक करके डिलीवर करते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बट कई सारे भाई लोग का अभी न्यूली ज्वाइन किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब किया, तो शायद उन लोगों को नहीं मालूम होगा, तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा चलो यार फिर से एक बार बता दिया जाए, इसलिए तो मैंने इस वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताने का कोशिश किया। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझाओगे, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।